Hi guys, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't mug up. Try to build rational and logical mindset. तो चलिए हम लोग आज करंट अफेयर के जूनियर स्टडी चैनल पे करंट अफेयर डे का रिसर्च करते हैं और देखते हैं इससे जुड़ी क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे रेलवे ALP CVT 2 और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ। उसके सीरीज जो भी है वो आप उस सब वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। तो हम लोग करेंट अफेयर में क्या क्या डिस्कस करते हैं जी, हम लोग तीन तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रिविजन क्वेश्चन, MC क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है जी। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए रिवीजन क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब स्थिति किस देश की है, तो भारत की है जी। इसमें मैंने बताया था कि इसमें भारत का क्या है जी, पहला स्थान है रिपोर्ट में खराब हालत है, और इसके बाद कौन सा है जी, तो नाइजर है, उसके बाद कौन सा है, पाकिस्तान है। आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जी, तो हिमाचल प्रदेश है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों ने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है, तो पहले 7 स्टेट थे और 8 अब नए हो गए हैं, तो टोटल कितने हुए, 15 स्टेट ने क्या किया जी, हासिल किया है। स्लोवेनिया की पहली महिला सेना प्रमुख का नाम क्या है, ओलेंका एरमेक है। मानी जी ओलेंका एरमेक क्या है, स्लोवेनिया की पहली महिला सेना प्रमुख है, तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं MCQ की तरफ। MCQ में क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। देखिए ई दृष्टि नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या करेंगे हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, सभी को जो भी वर्क हो रहे हैं रेलवे में उसको एक कैमरे से क्या करेंगे जी, विजुलाइज करेंगे, कैमरे के थ्रू क्या करेंगे, वॉच करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिससे खाने का जो भी वर्क प्लेसेज है उसका क्या रहेगा उनके पास, उसका उनका लाइव रिकॉर्डिंग दिया जाएगा जी, जिससे वो अपने ऑफिस में बैठे हुए भी सारे चीज़ की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रख पाएंगे। तो बात की जाए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अश्विनी लोहानी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने कितने वजन से अधिक ड्रोन के पंजीकरण का शुरुआत कर दिया है। देखिए सरकार ने कहा है कि अगर 250 से ग्राम कम वजन का है तो उसका तो पंजीकरण नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है 250 ग्राम से जो भी वजन का ज़्यादा होगा उसका पंजीकरण किया जाएगा और उसका एक आइडेंटिटी दिया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ये हमको पता रहेगा कि ये ड्रोन किसका है, और उसे जो भी एरिया डिफाइन किया जाएगा कि रेड एरिया, येलो एरिया, ग्रीन एरिया, और उस एरिया में उसको स्पेसिफाई किया जाएगा कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसके तो किसके द्वारा गाइड किया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा गाइड किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन लगाने के लिए बैठक कहाँ शुरुआत हुई। देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जलवायु परिवर्तन को लगाम लगाने के लिए एक मीटिंग किया गया था, कहाँ किया गया था, ये पोलैंड में किया गया, जो COP 24 कोटावाइज है वहाँ पर किया गया था। ये कहाँ है जी, आपको पोलैंड में है जी, तो COP 24 कोटावाइज में किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के लिए मीटिंग बैठा था पोलैंड में बैठा था जी। FSSAI ने किस वर्ष तक ट्रांस वसा को ख़त्म करने के लिए नया अभियान शुरू किया है। तो देखिए FSSAI यानी जो है एक खाद्य सुरक्षा अभियान है, जिसमें इसको टारगेट किया गया है कहाँ तक, तो 2022 तक ट्रांस वसा से ख़त्म करने वाले अभियान को किया गया है जी। तो ट्रांस यानी फैट से जो बीमारी होती है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया है जी, एक मीटिंग बैठाया गया है। चलिए अगली, इसमें से कौन से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी। देखिए तो जलवायु परिवर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया है जी, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेगा वर्ल्ड बैंक जो है आपको, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक क्या करेगा कि आपको 200 अमेरिकी डॉलर देगा, जो 2021 से 2025 के बीच खर्च किया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक क्या हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो Washington DC में है। ये कब स्थापित किया गया, तो July 1945 में किया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जी मियोंग किम है।
वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है? तो क्रिस्लिना जॉर्जिया है। ठीक है जी, तो इतना सब हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जाने। देखिए इसी तरह हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और जानेंगे जो भी आने जो भी इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे जी। तो चलिए आज की वीडियो का लाइक क्या है जी, 500 लाइक का है। तो चलिए इस 500 लाइक को टारगेट पूरा करते हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेली का टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने की पूरी दिन कोशिश कीजिए। चलिए तो ये मेरा लाइक का क्या है जी, 500 लाइक का है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इससे वीडियो का फ़ायदा उठा सके जी। तो एक इम्पोर्टेंस नोटिस है, इस नोटिस को ध्यान रखिए जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जो ALPCVT 1 में और RPF के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए मैं ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हुआ है करंट अफेयर का, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को जाकर आप करंट अफेयर के ही प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं ये वीडियो दोनों चैनल पर, पुराने चैनल और नए चैनल पर भी दे देता हूँ जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए चैनल को चेंज किया है तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि चैनल का क्या करें जी, सब्सक्रिप्शन बढ़े और मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश 2019 में ओपेक से बाहर हो जाएगा? तो कौन सा देश है जी? तो कतर है। कतर जो है आपको ओपेक से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। कतर एक्चुअली सऊदी अरब से भी बहुत सारा क्या था जी, बहुत सारा सैंक्शन लगाया गया था और कतर जो है मात्र 1 से 2% जो है आपको पेट्रोलियम प्रायति करता है, उत्पादन करता है, जिससे कतर को बहुत सारी दिक्कत भी होती है जी। और इसमें ओपेक के अनुसार कुछ परसेंटेज आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है तो कतर को दिक्कत होती है। कतर अपने आप को कहाँ चाह रहा है, तो लिक्विड नेचुरल जो गैस होता है उधर की तरफ मोड़ना चाह रहा है और वो फोकस करना चाह रहा है। तो लिक्विड नेचुरल गैस जो है उसका प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए कतर क्या कर रहा है जी, ओपेक से बाहर आ रहा है। बात की जाए वन लाइनर करेंट अफेयर की तरफ, तो वन लाइनर करेंट अफेयर की तरफ चलते हैं जी। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया जी, तो 3 दिसंबर को। अब देखिए अगर 3 दिसंबर को हम लोग डे का क्वेश्चन आ रहा है तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि उस मंथ के जो भी क्वेश्चन है, डे क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसको क्या करें जी, याद कर लें। तो बात की जाए कि 1 दिसंबर को क्या था जी, तो 1 दिसंबर को मनाया गया एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को क्या था जी, तो एड्स दिवस था और BSF स्थापना दिवस था। चलिए 2 दिसंबर को क्या था जी, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे था और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया गया। तो 2 डे को क्या मनाया गया जी, 2 दिसंबर को, तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया गया। और 3 दिसंबर को क्या मनाया गया जी, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। ये 3 दिसंबर को मनाया गया। ये कब से स्टार्ट किया गया है जो मनाना, तो 1992 से मनाना स्टार्ट किया गया है। इसका थीम था एम्पावरिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड इंश्योरिंग द इंक्लूसिव एंड इक्वलिटी। तो इसका देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसका थीम क्या था जी, एम्पावरिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी इंश्योरिंग इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD और CEO बनाया गया? तो SS राजीव जो है इनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया। पहले ये क्या थे जी, इंडियन बैंक के क्या थे, हेड थे। तो बात की जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे में है जी। चलिए किस राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन प्रणाली ERSS लॉन्च किया गया? तो किस राज्य ने किया गया है, तो नागालैंड ने किया है जी। ERSS का फुल फॉर्म देखिए एनर्जी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है जो नागालैंड के किया है जी, स्टार्ट किया है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन अपडेट देखिए, हाल में ही अभिनव बिंद्रा को ISSF किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? UK के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार पीपुल्स वर्ड ऑफ ईयर के रूप में नोमोफोबिया को चुना गया है। 19वें हॉर्नबिल महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? 21 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस, कौन सा BSF स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप यहाँ से देख सकते हैं जी, हमने इतने क्वेश्चन सारे डिस्कस किए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो
उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो प्रीमियम कर दूँ आप उसको क्या करें कि ऑन कर लें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब के चैनल में जाएँ और प्लेलिस्ट में मैंने इलेक्ट्रिकल का अलग बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग बना रखा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग बना रखा है जी। तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग सब्जेक्ट आप बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ।